नमस्कार, मैं नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो चौथी बैठक हुई दिल्ली में, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित तमाम जितने बड़े नेता हैं वे मौजूद थे। राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। और बड़ी खबर यह है, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यह नाम प्रस्तावित किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो बड़ी बात निकल के आई इंडिया की इस बैठक से, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें निकल के आ रही हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, च्वाइस ही च्वाइस है, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को एक समन्वय की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। चेहरा कौन, ये देखना होगा। देखिए, चेहरा कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने तो आया है, लेकिन इसके अलावा इंडिया की इस बैठक के बाद राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद हो, सभी बाहर निकले हैं। इसके साथ ही सभी दलों ने ये मिलकर राय बनाई है, राय कायम की है, ये निर्णय हुआ है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। और डेडलाइन भी तय की गई है, 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा कर लेना है। सबसे पहले सीटों का बंटवारा राज्यों में होगा। देखिए, उन सीटों पर जहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है वहां कांग्रेस लड़ेगी, और अन्य जगहों पर जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां ही चुनाव लड़ेंगी, जिसमें कांग्रेस उनका सहयोग करेगी। बाकी जगहों पर जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को उनका साथ देना होगा। उद्धव ठाकरे एनसीपी के अध्यक्ष, इसके अलावा शरद पवार, ये सभी वहां पर मौजूद थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुए मौजूद थे। इन सभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि चौथी बैठक में 28 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है, और जो जानकारी मिली है सभी एकजुट हो रहे हैं। क्यों एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि 151 संसद सदस्यों को कैसे निलंबित किया गया। अभी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, और इस पार्लियामेंट के सेशन में 151 सांसदों को, विपक्ष के 151 सांसदों को निलंबित किया गया है, उस पर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सारी बातें की हैं, पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, जो बड़ी बैठक में बात हुई है, ममता बनर्जी ने नाम प्रस्ताव दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि वे पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष की ओर से। यानी कि बड़ा झटका क्या लगा है नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी उस बैठक में मौजूद थे, आरजेडी के सांसद मनोज झा उस बैठक में मौजूद थे, जेडीयू की ओर से संजय झा उस बैठक में मौजूद थे, ब्यासा के मंत्री हैं, ये सभी उस बैठक में मौजूद थे, और सभी ने मिलकर ये मंजूरी दी है, सभी की एक साथ बातें हुई हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा है, नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं कहा है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी। इंडिया गठबंधन की जो रैली होनी है वो जनवरी महीने में, इंडिया गठबंधन की रैली जनवरी महीने में पटना में हो सकती है, ये बड़ी बात भी निकल के आ रही है। पटना में ही रैली होगी सबसे बड़ी, 30 जनवरी को पटना में बड़ी रैली हो सकती है इंडिया गठबंधन की, ये भी निर्णय हुआ है। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, सभी इस बैठक में शामिल हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना होगा उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ेगी बीजेपी से, जहां पर डायरेक्ट फाइट होती है, और बाकी जगहों पर जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वहां चुनाव लड़ेंगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार खुश हैं? नीतीश कुमार जो चाहते थे वही हो रहा है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार कल जब पटना लौटेंगे वो जरूर बताएंगे, उनसे जरूर हम पूछेंगे क्या बात हुई, क्या वे खुश हैं, क्या वे तैयार हैं। अब बड़ी रैली की तैयारी है, सब जगह पर धरना प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के खिलाफ, ये सब कुछ हुआ है इस इंडिया गठबंधन की बैठक में। दिल्ली में बैठक हुई है, और 31 दिसंबर से पहले सीटों का बंटवारा होना है। पहले राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा, फिर ऑल ओवर देखा जाएगा कहां पर, कहीं 2-4 सीट पर या 10-15 सीट पर, अगर पूरे देश की हम बात करें, जहां पर नोकझोंक होगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वहां पर चर्चाएं होंगी, तो उन जगहों पर भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले 31 दिसंबर तक क्या बिहार में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा? जेडीयू कितने पर लड़ेगी, आरजेडी कितने पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, सीपीआई एमएल कितने पर लड़ेगी, और कौन कहां से लड़ेंगे, सीट पर भी चर्चा होगी। तो 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा बिहार में, देखना होगा। और बड़ी रैली होनी है जनवरी महीने में, पटना से ही इसका आगाज होगा, बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, जो फिलहाल तय हुआ है। देखना है आगे क्या होता है, क्या सभी सचमुच एकजुट हो गए हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी फिलहाल मौन है, क्या कहेंगे, आगे क्या बात होगी, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।